लाइव ले लो जी। हेलो, हेलो नमस्ते जी। या सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नेट गया क्या आपका? कहाँ से बोल रहे हैं, शहर का नाम बता दो। लंदन से बोल रही हूँ। मैं अच्छा जी, पूछिए क्या सवाल आपका। पंजाबी च गल कर सकती हूँ। ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, यू नो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड, सो अदरवाइज वी बोथ विल बी टॉकिंग टू ईच अदर। ये सब हिंदी मैंने सब थोड़ी बोल बहुत, दिया। हिंदी थोड़ी बहुत ही हिंदी। टुट्टी भजी बोल लो कोई नहीं, मेरी भी इदा ही है। ओके, जिदा मैं पूछना सी, सॉरी मैं तो को पंजाबी बोल होनी है, चलो हिंदी कोई तो बात नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। बात नहीं। ओके गो ओके, अहेड। मैं इदा पूछना सी, जिदा मेरे इथे दिखदा ही होना ना, जस्ट मेरे ना आफ्टर प्रेगनेंसी जस्ट इथे स्टार्ट होया सीगा अच्छा पिगमेंटेशन। मैनू सीगा कि जिदा मैं तुहानू काफी टाइम तो फॉलो करती हूँ, मैनू लगता साल तो उपर ही हो गया। मैं चल थोड़ा जिहा हो जाए आप ही ठीक हो जाऊगा, पर मैं जिदा केयरलैस हो गई थोड़ी, ते डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं की, हुण वो ज्यादा हो ही जाता। मैं जिदा इदा तो नहीं पूछना कि मैं की करा, क्योंकि मैंने सारा कुछ तुसी समझाया होया है ना, पहला भी मैं तुहानू कॉल की सी। बट मेन प्रॉब्लम ये, मेरे फुल फेस से लाइक ब्राउन स्पॉट शुरू हो गए हैं, ये क्यों इदा है? देखो, मुलाजमा जाना पूरे ऐदा करके बनता, कई बार मथे से भी आ जाता, कभी कभी ये ना इथों वज जाता, कभी इथों वज जाता, कभी इथों, बनना इन्हें पूरा ही है। समझ गए मेरी गल? नहीं, पिगमेंटेशन के बाद जैसे शॉर्ट जिदा अमेरिया ब्लैक मॉल है ना, इस टाइप जिदा पूरे फेस से हो रहा है देखो। अच्छा, ठीक है। या चलो आप मुझे मतलब अपनी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बताओ, कैसी है फिजिकल एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी में जिम जाती हूँ, लेकिन मेरी जिदा छोटी है डॉटर, ते वीक च 2 या 3 दिन जिम जाती हूँ। बाकी डाइट वगैरह मैं प्रॉपर फॉलो कर दी, हम फॉलो करना स्टार्ट किया मैं, जो तो मैंने लगा कि मेरे पिगमेंटेशन अगे जा रहे हैं ना, फिर मैं फॉलो किया। जस्ट मैं यही पूछना सीगा कि जिदा जेडी आप स्मूथी पीनी है सवेरे, मैं ओदे च जिदा प्रॉपर फ्रूट पा लैनी हाँ, ते फ्लैक्सीड पा सकती हाँ, हाँ, फ्लैक्सीड पा सिनमन पा लो, सकती हाँ। ड्राई फ्रूट्स पा लो, सिनमन पा लो, प्रोटीन पाउडर पा लो, प्रोटीन नहीं लेना तो सत्तू पा लो, तुसी जो कुछ भी पा सकते, कोई चक्कर नहीं जेडे होंगे। ओट्स, ओके, ते जेडे ओट्स होंगे आ वो आप ऐसे पा सकते हैं कि हाँ, जिदा ओट्स दूध भी चु बाल के मतलब। ओके देखो, ओट्स भी ना हुण रोल्ड ओट्स आंदे आ तुहाडे उत्थों, तुसी चेक करोगे ना, रोल्ड ओट्स आंदे आ, वो तुसी पा सकते, कोई दिक्कत नहीं हैगी। या तुसी 10 मिनट वो जिहड़े दूजे ओट्स ने वो पानी च भिओ के रख दो तुसी, है ना, 10 मिनट वास्ते भिओ दो, उहदी स्मूदी बना लो, ते बस ये है कि ओट्स पाओगे, स्मूदी थोड़ी ना हैवी बन जाती है, तुहाडा ढिड एकदम भर जाएगा। तो एकदम ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं हैगी, ओट्स पा सकते हो तुसी। जो जो मैं चीजा दसियां, पीनट बटर पा लो, फ्रूट्स पा लो, तुसी सोया मिल्क पा लो, भावे दूसरा मिल्क पा लो, पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आइडिया सारा ये है कि कुछ ही जितना लूंगी पानी है। जिदा, हाँ जी, जिदा जिदा तुसी समझाया। मेरा क्वेश्चन जस्ट इको ही है, क्योंकि मैं पता मैं हले 15 दिन हुए थोड़ी डाइट प्रॉपर फॉलो कर दें, तो मेरी पिगमेंटेशन मैंने पता कि हो रही है सही है ना, वही अच्छा, तो चले जाऊंगी। बट मेरा जो मेन प्रॉब्लम ये है, मैं डॉक्टर ने दिखाया सी, कहते कि हारमोन शायद प्रॉब्लम होगी, कोई मेडिसिन, बट मैं वो लेना नहीं चाहती जिदा तुसी समझाया हुआ है ना। मैंने जस्ट इतना समझा दो कि जोड़ा फुल फेस से इतने तक भी आ जाके, ये की प्रॉब्लम है, ये हट चुके डाइट नाल। देखो स्किन दी है ना बहुत सारियां प्रॉब्लम्स होंदियां, ये जे तुहाडे हार्मोनल इंबैलेंस हो जाने, ठीक है, फीमेल्स विच ज्यादातर हो जाता है, प्रेगनेंसी तो बाद भी, वैसे भी पीएमएस आन हुंदा तां भी हो जाता है। मेन है जे तुसी तुहाडी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तुहाडी डाइट अच्छी है, तुसी टाइम ते सोने हो, टाइम ते उठते हो, तुहाडे हार्मोन सारे बैलेंस हो जाणगे। जदों हार्मोन बैलेंस हो गए, तुहाडी जिन्नी भी प्रॉब्लम है ना बॉडी विच, मैं फेस की गल नहीं कर रहा, पूरी बॉडी च हर चीज अपने आप बैलेंस हो जाएगी। बस ये ध्यान च रखना, तुसी ओके फिजिकल एक्टिविटी बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है, टाइम तो सो, टाइम तो खाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ठीक हो जानी है, ठीक है जी। है, ये तो सारा कुछ ही कर दी है मैं। हाँ हाँ, नहीं तुसी ना वर्कआउट थोड़ा बताओ। चलो मैं भी ट्राई करके देती हूँ, 3 मंथ प्रॉपर है ना, जे डाइट भी ठीक हो गया। आप पिगमेंटेशन तो चली जाना है, मैंने पता है ना, हाँ क्योंकि बस थोड़ी डाइट एक, काफी बेस्ट है और नाल फर्क लगता है। हाँ बस एक कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, ते वर्कआउट जरूर तुसी करोगे, हफ्ते च घट्टो घट 4 दिन वर्कआउट करो, 3 दिन तुसी खाली वॉक कर सकते हो, ठीक है, वॉक छत पे ठीक लगे या महल्ले च जितने मर्जी, ठीक है जी। है, ओके ठीक है, ओके जी, ओके टेक ओके केयर, सर, थैंक थैंक यू, थैंक। यू सो मच जी। ये थी राजवीर कौर जी, चलिए अब किसी और को लाइक देते हैं जी, आ जाओ।